फर्स्ट प्रोसेस जो है आपका फर्द लेने के लिए वो आपने बुकिंग करवानी है। बुकिंग मस्ट है आपकी, अगर बुकिंग आप नहीं करवाते तो आपको अपना फर्द नहीं मिलेगा। तो बुकिंग के लिए आपने कॉल करनी है इस दिए हुए नंबर के ऊपर, वहाँ से आप अपने CNSE नंबर देंगे, उनको अपना नाम बताएंगे, आपने अपना मौजा बताना है, जिस ज़मीन का आपने फ़र्द लेना है और जिस तहसील में मौजूद होंगे आप, उस तहसील का आपने नाम बताना है कि इस तहसील में मौजूद हूँ, इस सेंटर के ऊपर हूँ, तो मैंने इस जगह का जो है ना फ़र्द लेना है। दूसरे नंबर पर आता है टोकन का हुजूर। आप अंदर जाएंगे लैंड रिकॉर्ड में, वहाँ पे फर्स्ट काउंटर के ऊपर आपको टोकन का जो है ना वो इंदराज होगा आपका। आप CNSE उनको देंगे, आपके हैंड प्रिंट लगेंगे और उसके अलावा आपकी पिक बनाई जाएगी और आपका जो है ना नंबर लग जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है तीसरे नंबर पे आती है मालूमात की फरहमी। मालूमात की फरहमी आप जाएंगे काउंटर के ऊपर, आप उनको बताएंगे कि आपने कौन सा फ़र्द लेना है, ज़ाती रिकॉर्ड के लिए लेना है या फ़र्द बै लेना है। ज़ाती रिकॉर्ड का फ़र्द कोई भी पर्सन आपका फ़र्द जो है जाके निकलवा सकता है। अगर फ़र्द बै लेना है, अगर आप ज़मीन फरोख्त करना चाह रहे हैं या किसी से ख़रीदना चाह रहे हैं, तो जो फ़र्द बै लेने वाला बंदा है उसका वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको फ़र्द जो है वो नहीं मिलेगा। चौथे नंबर के ऊपर आता है कवायद की फरहमी, यानी आप बताएंगे कि आप किस मुस्ततील का, आपकी खीवट नंबर कौन सी है, आप अपना खाता बताएंगे उसको जिस खाते का आपने फ़र्द लेना है, चाहे वो फ़र्द बै है चाहे ज़ाती रिकॉर्ड के लिए, आपको कुछ ना कुछ उसको मालूमात देना पड़ेगी, आपके पास उसका कुछ ना कुछ डेटा होना चाहिए। पाँचवें नंबर पर आता है कि आपने फ़र्द किस मकसद के लिए लेना है, ये भी आपने साथ में उनको बताना है, ज़ाती रिकॉर्ड के लिए लेना है या आपने फ़र्द बै लेना है। छठे नंबर पर आता है आपका चलान। चलान जो है आप अपने ईजी पैसा अकाउंट से भी पे कर सकते हैं और उधर साथ ही आप जाके जो है ना ईजी पैसा शॉप से किसी से भी आप जो है ना अपना चलान पे करके फ़र्द ले सकते हैं। जैसे ही आप अपनी चलान फीस सबमिट करवाते हैं, आपका फ़र्द जो है जारी हो जाएगा, आपको उसका प्रिंट मिल जाएगा और फ़र्द जो है वो आपके पास होगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ भी आ गई होगी। काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो फ़र्द लेने जब जाते हैं तो काफ़ी सारी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें और मज़ीद जो भी आपको मालूमात चाहिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।